हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आज मॉर्निंग में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ मुझे बैंक निफ्टी को समझने में, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, जब बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट नीचे सेटल हुआ प्री ओपनिंग सेशन में और निफ्टी 20-25 पॉइंट ऊपर, तो मैंने अपडेट किया आपको 9:10 के आसपास कि अब मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा, हम लोग स्ट्रगल पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि पहला कैंडल बहुत स्ट्रांग, पहले कैंडल में बाइंग आया, ठीक है। और जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर पहले कैंडल में स्ट्रांग बाइंग आ रहा है और वो लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो उम्मीद करिए 2-3 कैंडल और भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर जिन्होंने पहले कैंडल में, बड़े ट्रेडर पहले कैंडल में एंट्री लिया है, तो जल्दी एग्जिट करेंगे नहीं अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो, जब तक इसमें अगला रेजिस्टेंस आएगा नहीं या फिर मार्केट कहीं से रिजेक्शन देगा नहीं, प्राइस कहीं से अगर रिजेक्शन आएगा नहीं तब तक वो पोजीशन ऊपर रखेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे नहीं। ये अक्सर मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने वाला होता है तब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट लगभग इस पॉइंट से लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में दिखाया। मुझे दोबारा अपडेट करना पड़ा आपको कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, इसमें स्ट्रगल पोजीशन नहीं बनेगा। देखिए, मार्केट टॉप में जाके अगेन इनसाइड हो गया, तो नो डाउट कि यहाँ पर स्ट्रगल बनाने का बहुत अच्छा जगह था। लेकिन मॉर्निंग में मैं एक बार यहाँ पर कंफ्यूज हो चुका था, तो मैं दोबारा आपको अपडेट नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद मार्केट क्या हुआ, टॉप में इनसाइड हो गया। मैं देख रहा था कि अगर इसी आसपास क्लोज कर जाता तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आता। मैं पूरा दिन भर अनुमान लगाया था कि यहाँ पर क्लोज करके जाएगा तो हम लोग बीटीएसटी पोजीशन बना के जा सकते हैं, जैसे अक्सर बीटीएसटी पोजीशन बनाते हैं। हम लोग यहाँ भी बनाए थे जब मार्केट टॉप में क्लोज करके गया था, तब अच्छा प्रॉफिट मिला था। यहाँ पर हम लोग क्या करते, फ्यूचर बाइंग कर लेते और कॉल सेल करके चले जाते, नेक्स्ट डे के लिए अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। बट मार्केट लास्ट आवर में स्पीड में टॉप से सेलिंग आया। और देखिए, आश्चर्य है कि सरकारी बैंकों में ज्यादा सेलिंग आया है। एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग रहा, आज आप लोग ने ट्रेड लिया रहा होगा, अच्छा प्रॉफिट देखे गया है। कोटक बैंक स्ट्रांग रहा, एक्सिस बैंक स्ट्रांग रहा। नेगेटिव हुआ है एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक, इनके वजह से मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, दबाव आया है। मार्केट अगेन उसी रेंज में आके क्लोज कर गया जहां पर कल क्लोज किया था, 36,000 के आसपास। तो अब कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, टॉप से मार्केट गिर गया है तो ये पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा। देखिए, मार्केट बार बार इस पॉइंट को सपोर्ट बना रहा था, एक बार ये टूटा। इसी तरीके से दोस्तों, इधर भी सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 35,700। अगर मान लीजिए जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, इसी तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो 35,700 के बिलो, मैंने कल भी अपडेट किया था कि 35,650 के बिलो अगर मार्केट इस टाइप का प्राइस एक्शन पैटर्न बने, नीचे गिर के यहाँ पर ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है, फिर लो ब्रेक करता है, तो नो डाउट शॉर्ट होगा, ठीक है। इस पॉइंट का एसएल, मतलब आज ब्रेक डाउन किया तो इस पॉइंट का एसएल और शॉर्ट का ट्रेड। कल कैसा हो सकता है, ध्यान रखिए, कल मैं नहीं कह रहा हूँ कि इधर गिरावट आएगा, अभी इधर गिरावट आने में वक्त लग सकता है मार्केट को, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कल के लिए छोटा सा ट्रेड डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ पर ओपन होता है मार्केट तब 35,900 के आसपास ओपन होता है तब, फिर एक गिरावट आपको डाउन साइड में 700 तक दिख सकता है, 200 पॉइंट का। लेकिन इसके लिए क्या हो कि पहले ही कैंडल लोअर साइड ब्रेक डाउन करे, अगर पहला कैंडल ब्रेक डाउन करता है तब आप अपर साइड में 60-70 पॉइंट कैसे लगा के या फिर पहले कैंडल का हाई कैसे लगा के शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर पहला कैंडल ऊपर की तरफ गया तो मैं क्या समझ रहा हूँ, ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, लोअर साइड में ए सपोर्ट बनेगा और ए सपोर्ट बनेगा। ऊपर से गिरेगा तो बहुत बड़ा गिरावट इसमें नहीं आएगा। अगर पहला कैंडल ऊपर की तरफ जाता है तो अवॉइड करेंगे हम लोग, 36,000 के लेवल में स्ट्रगल के लिए विचार करेंगे अगर इस पॉइंट के पास रहता है तो। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होकर दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है तो नो डाउट अगेन ब्रेकआउट की तैयारी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, कोई बुलिश कैंडल, स्ट्रांग बुलिश रहता है, क्लोजिंग करता है यहाँ पर, तब फिर इसे बाई करके जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बाइंग होगा नहीं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और, 35,700 के पास आएगा मार्केट तो कोई बुलिश कैंडल बनता है तो डाउन साइड से जरूर हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब, अदरवाइज 36,000 के लेवल में स्ट्रगल पोजीशन बनेगा जिस तरीके से मार्केट यहां पर क्लोज किया है। तो दोस्तों, ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखते हैं निफ्टी, निफ्टी भी सेम पैटर्न में टॉप से गिरा हुआ है और निफ्टी भी अपने सपोर्ट के बीच में ही खड़ा है। हालांकि निफ्टी में, जैसे कल हम लोग बात किए थे कि इसमें बड़ा ट्रेड मैं निफ्टी में भी नहीं देख रहा हूँ, निफ्टी में अपर साइड में रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी में तो कोई बाइंग की सवाल था नहीं हमारे लिए, ठीक है।
इसमें भी मैं देख रहा था स्ट्रगल पोजिशन बनेगा। अगेन मार्केट 16,250 के अराउंड में आके क्लोज कर रहा है। मुझे लगता है एक्सपायरी भी इसी के आसपास होना चाहिए 16,250 के अराउंड में। तो इसमें कोई बाइंग और शॉर्ट का ट्रेड नहीं है। मॉर्निंग में देखूंगा मैं, या आपको भी समझना चाहिए कि 16,250 के आसपास रहता है तो स्ट्रगल पोजिशन इसमें बनाया जा सकता है। अगर एक्सपायरी के लिए लेके जाना चाहते हैं तो इसमें 16,250 का कॉल पुट आयरन बटरफ्लाई बना के जा सकते हैं, ठीक है। कॉल पुट सेल करके जा सकते हैं पोजिशनल, ठीक, और 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे पोजिशन को हेज कर लेते हैं। आयरन बटरफ्लाई पोजिशन बना के जा सकते हैं एक्सपायरी डे के लिए। और अगर कल मॉर्निंग में इसी लेवल में रहता है तो हम लोग इंट्राडे के लिए भी स्ट्रगल बना सकते हैं 250 को राउंड फिगर लेके। इसके अलावा कोई ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं है। जब तक निफ्टी लोअर साइड देखिए, अगर सपोज करिए दोस्तों कि ऊपर की तरफ जाता है पहले मॉर्निंग में, इतना लंबा अगर नीचे गिरेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से बोलो तो लगभग 100-120 पॉइंट नीचे, तो यहाँ से गिरावट दिखाएगा नहीं, थोड़ा मोड़ा लो बनाएगा और वापस चलेगा जैसे यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर इसे गिरना है तो इधर ओपन होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तब इसके नीचे अगर क्लोज कर जाएगा थोड़ा देर रुकेगा, मतलब 16,180 के बिलो, तभी शॉर्ट होगा, अदरवाइज इसी रेंज में रहेगा, ज्यादा गिरावट दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग बाइंग का ट्रेड नहीं है, मैं यहाँ पर साइडवेज का पैटर्न देख रहा हूँ कल भी, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी का। अब देखते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक, ये बहुत अच्छे जगह में क्लोजिंग किया है दोस्तों। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ है, और अगर इसका 5 मिनट का चार्ट देखें आप तो टॉप में रेजिस्टेंस बनाए हैं, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कल भी हम लोग बात किए थे, देखिए ये पॉइंट था, ओके, आज मॉर्निंग में इस पॉइंट के ऊपर निकला तो बहुत अच्छा मोमेंट देके गया है। कल मैंने बताया था इसको कि जैसे 758 के ऊपर ब्रेकआउट करता है बाइंग करके जा सकते हैं, लगभग पूरा ट्रेड देके गया है। कल दोस्तों नजर रखिए, जैसे यहाँ पर ओपन होके ब्रेकआउट करता है 764 के ऊपर आप ट्रेड लेके जा सकते हैं, ठीक है, अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 4 रुपए का एसएल बनेगा, 760 का एसएल बनेगा, 764 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ से लगभग 10 रुपए का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। 774-75 तक का आपको ट्रेड इसमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट का ट्रेड है नहीं यहाँ पर। HDFC लिमिटेड दोस्तों, देखिए इसे मैं 3-4 दिन से आपको लगातार बोल रहा था, ठीक है, आज कितना अच्छा ब्रेकआउट आया। जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था, 2 कैंडल नीचे आया था, तब भी मैं यहाँ पर बात किया था, ठीक है, कि लोअर साइड में इसे 2610 के आसपास या 2600 के आसपास इसे बाइंग कर सकते हैं। आज भी बहुत खूबसूरत ट्रेड दिया है आप लोगों को, कल इसमें अगेन ट्रेड मिलेगा। और इसे आप तो ध्यान रखिए, यहाँ तक का मोमेंट आप पोजिशनल देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पोजिशनल इसी स्टॉक को लेके जाना है तो लेके जाना चाहिए। मेरे पास फ्यूचर है, मैं आपको शो करना चाहूँगा, देखिए मैंने इसे कल ही लिया है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, मुझे लगता है आने, देखिए मैंने कल कहाँ पर लिया इसे, फ्यूचर को 2624 में, अच्छा प्रॉफिट दे के जा रहा है। मुझे लग रहा है कल के दिन पे दोस्तों ये नया हाई के ऊपर जाके क्लोज करना चाहेगा, 27 के ऊपर जाना चाहिए कल के दिन पे, ठीक है। तो जैसे मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होता है हमें बहुत अच्छा ट्रेड लेके जा सकता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें आप बड़ा रख लीजिएगा, ठीक है, 2665 के आसपास के स्टॉप लॉस यहाँ से भी ओपन हो तब भी चलेगा, लेकिन इसे ब्रेकआउट करना चाहिए यहाँ, ठीक है, 2680 के ऊपर आप इसमें ट्रेड लेके जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका बनना चाहिए 2700 का, और 2700 अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां से 15-20 रुपए का और मोमेंट आप कंटिन्यू इसमें देख सकते हैं HDFC लिमिटेड में। सपोज कर दोस्तों कि यहां पर ओपन होता है और ये नीचे आता है, वेट करिए, कहीं ना कहीं से इसमें बुलिश कैंडल आएगा फिर रिवर्स करेगा, तो उसे हम लोग इंट्राडे में डेली चार्ट में आपको अपडेट करूंगा लाइव मार्केट में, तो आप टेलीग्राम चैनल में अपडेट रहेगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आना चाहिए, बाइंग है, शॉर्ट नहीं होगा, इसे पोजिशनल में जरूर बाइंग करके जाना चाहिए दोस्तों। 2900 का टारगेट मिलेगा, शानदार ट्रेड है अभी भी HDFC लिमिटेड दोस्तों। 2 स्टॉक शॉर्ट का है, सबसे पहले मारुति, इस स्टॉक में नजर रखिए, शॉर्ट का कैंडिडेट हो सकता है। देखिए ये बॉटम के आसपास है, अभी तक सपोर्ट ले रहा था, अगेन लोअर लेवल में जाके क्लोज किया है, तो डाउन साइड में इसके लिए लगभग 70-80 रुपया का जगह है। कल अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के बिलो। तो दोस्तों कल के दिन पे ध्यान रखिए कि जैसे ये 7000 के बिलो क्लोज करता है 5 मीटर कैंडल, हम लोग शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस आपको अपर साइड में 7020 का रखना पड़ेगा, और लोअर साइड में टारगेट देखिए 20 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको 50-60 रुपए का ट्रेड इसमें देखने को इमीडिएट मिल सकता है, मतलब इसमें
6950-40 के आसपास का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन पे। तो नजर रखिए, बॉन्डिंग में ब्रेक डाउन करेगा, अच्छा ट्रेड हो सकता है, बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। आईजीएल इस स्टॉक को नजर रखिए दोस्तों, कल भी हमारे वॉच लिस्ट में था, आज ये किस तरीके से ट्रेड हुआ ध्यान रखिए। आज हमारे शॉर्ट के पैटर्न में नहीं रहा, जैसे मॉर्निंग में ओपन हुआ और ऊपर चला गया। मैंने मॉर्निंग में भी अपडेट किया था कि जैसे ब्रेक डाउन करेगा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 524 के बिलो। अब देखिए यहाँ से गिरा, यहाँ से हम ऐसे लेवल में शॉर्ट नहीं करते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर लो बनाता है, वापस चले गया, ठीक है। आज जब जब नीचे आ गया तो मत सोचिए कि एवरीडे नीचे आएगा, ऐसा नहीं आता है, ओके। तो जिस पैटर्न को आप लगातार फॉलो करते हैं आप उसी पैटर्न में ट्रेड करिए। जब ये नीचे जा रहा था मैं देख भी रहा था, मुझे लग भी रहा था कि अपडेट करूँ, लेकिन चूंकि हम अक्सर पैटर्न में क्या करते हैं कि मॉर्निंग में शॉर्ट हो जाता तो अच्छा होता। तो यहाँ पर बहुत अच्छा गिरा, अभी आपको लग रहा होगा, लालच आ रहा होगा, दोबारा जब ऐसे टॉप से नीचे गिरता रहेगा आप शॉर्ट करेंगे, मार्केट वापस रिटर्न कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट नहीं करना है। कल भी मैंने बताया था कि बॉटम के आसपास साइडवेज रहता है, ठीक है, गिरावट के बाद इसके बाद दूसरे दिन जैसे लो ब्रेक करता है शॉर्ट होता है। कल अगेन आप इसी पैटर्न पे ध्यान रखिए, ठीक है, जैसे लोअर साइड ब्रेक करेगा 520 के बिलो, 520-519 के बिलो शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे छोटा सा बनेगा 523 के आसपास का, तो लगभग 3-4 रुपए के स्टॉप लॉस है। डाउन साइड में टारगेट आपको इसमें लोअर साइड में 512-510 के आसपास देखने को मिल सकता है, ट्रेड बड़ा बन जाएगा, लेकिन मॉर्निंग में आना चाहिए। अगर मॉर्निंग में ऊपर जाता है, मतलब 530 के आसपास जाता है, वहां से शॉर्ट होता है तो शॉर्ट अवॉइड करें। हाँ, पहला कैंडल ऐसा जरूर हो सकता है, मान लो कि पहला कैंडल यहाँ पर रेड बना, नहीं गिरा, दूसरा कैंडल आया, तीसरा कैंडल गिरा, जरूर शॉर्ट करिए, और उस कंडीशन में 523 3-4 रुपए का इस स्टॉक में एसएल रखिए और शॉर्ट का ट्रेड लेके इसमें जा सकते हैं, ट्रेड अच्छा बन सकता है, लेकिन बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी का। एक स्टॉक मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, जील। देखिए मैं इस स्टॉक को क्यों बोलता हूँ कि हमेशा शॉर्ट करिए, ठीक है। कल गैप डाउन ओपन हो गया, ओके, तो गैप डाउन ओपन होकर ऊपर चला गया, अगेन उसी लेवल से शॉर्ट हुआ जहां से इसमें गिरावट शुरू हुआ था, और आज अगेन ये बड़ा फॉल आ गया, ठीक है। यही पॉइंट कल भी हमको मिल सकता था, लेकिन अगर यहां से गिरता तो इसे गिरना ही था। तो जो स्टॉक शॉर्ट के हो जाते हैं उसे केवल शॉर्ट के बारे में सोचिए, उसे बाइंग अवॉइड करिए, ओके। तो जैसे आईजीएल है या आईबुल है स्टॉक, हमेशा इसे शॉर्ट के नजरिए में रखिए, जब भी गिरेंगे आपको बड़ा ट्रेड देके जाएंगे। देख रहे हैं कितना बड़ा ट्रेड देके गया है, ओके। तो इसी तरीके से ट्रेड मिलते हैं जो बेरिश स्टॉक होते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझते होंगे, डायरी में नोट करते होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।